अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको बताऊंगा डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर की पीसीबी बोर्ड को आप कैसे जो है रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे इसकी जो आउटडोर यूनिट में पीसीबी लगी हुई होती है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं और बाद में उसको आप रिपेयर करवा कर खुद ही इसको आप इसमें फिर फिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसके जो कवर है, टॉप कवर और फ्रंट कवर, इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसको अभी ऊपर किया हुआ है, स्क्रू मैंने अनलॉक कर ली है ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। हमने स्क्रू ओपन करके इसका टॉप कवर सबसे पहले ओपन कर लिया है और साथ में जो है अभी फ्रंट कवर जो है हम ये ओपन करेंगे। इसमें भी आपको स्क्रू मिल जाते हैं, 3 स्क्रू ऊपर और फिर इसी तरह 3 स्क्रू आपको यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं और फिर इसी तरह आपको साइड पर भी स्क्रू कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ पर 1 स्क्रू साइड पर लगा हुआ है और नीचे कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ, मतलब साइडों पर आप स्क्रू देख लें और इसको आसानी से स्क्रू को ओपन करके इसको ऊपर उठाएं, अनलॉक कर लें। तो यहाँ पर जो है अभी एक साइड रह गई है, लेकिन वो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी खोलेंगे। अभी मेन चीज़ ये है, सबसे पहले कि आपने एसी का ब्रेकर जो है वो ऑफ़ करवा देना है। पावर सप्लाई पीछे से मेन ऑफ होनी चाहिए, ब्रेकर आप निकाल दें बाहर। यहाँ पर जो कनेक्शन हैं, जैसे कि LN और 4S जो है लास्ट में, ये 3 वायर लगी हुई हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे कलर वाइज लगी हुई थी वैसे ही आपने नोट कर लेना है या फिर इसकी एक इमेज ले लें ताकि आपको याद रहे कि कौन सी वायर, किस कलर वाली वायर आपने फर्स्ट खोली थी और कौन से कलर की सेकंड और कौन से कलर की थर्ड में खोली थी, ताकि आपके कनेक्शन जो है वो चेंज ना हो। यहाँ पर 1 स्क्रू लगा हुआ था जो मैंने ओपन कर लिया है कनेक्शन के नीचे ही, और फिर 1 स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है, हम इसको ओपन कर लेंगे। ये आपको इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि आप आसानी के साथ पीसीबी को रिमूव करके सिर्फ पीसीबी रिपेयर वाले के पास जाकर इसको रिपेयर करवा कर खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ पर भी स्क्रू है, इसको भी ओपन कर लें, नहीं तो टेक्नीशियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप खुद ओपन करके रिपेयर करवा कर खुद लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर आ जाती है बात, ट्रांसफार्मर के 2 पॉइंट हैं, इसके ऊपर आप मार्क भी कर सकते हैं अप डाउन कौन कौन सा है, लेकिन ऊपर नीचे कोई भी आप बाद में लगा दें तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। तो इसको आपने रिमूव कर लेना है, मैं नोज प्लायर की मदद से कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका थिम्बल में लॉक होता है। तो ओके, यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर लेना है। ट्रांसफार्मर इसका जो है यहीं पर है, इसको हम इसके जो प॑इंट है वो निकाल लेंगे। 2 पॉइंट हमने इसके निकाल दिए। अब यहाँ पर जो है एक सेंसर है जो कि इसके डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है, इसके ऊपर लगा हुआ है ट्यूब के ऊपर, पाइप के ऊपर। इसको भी हम, फिटिंग बनी हुई है, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह से कुछ इसकी फिटिंग थी, एक सेंसर ये हो गया। याद रहे इसके 3 सेंसर होते हैं जो आपने निकालने हैं। अब ये जो है मेन जैक, ये है हमारे कंप्रेसर का, इसको हम यहाँ से टेस्टर या किसी बड़ी स्क्रू ड्राइवर की वजह से पुश करके अनलॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इजीली अनलॉक करना आपको दिखा देता हूँ। इसको आप पुश करके फिर ही अनलॉक करेंगे। इसको पुश किया हुआ है मैंने, पुश करके थोड़ा सा अनलॉक किया था, अब मैं इसको पूरा अनलॉक मैंने कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया हमने इसको भी। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको जो 4-वे वाल है उसकी ये ब्लू वायर्स हैं, ये दोनों वायर्स यहाँ पर ऊपर लगी हुई हैं। और याद रहे आप जहाँ जहाँ से वायर्स को उतारेंगे फिर वहीं पर लगाएंगे। तो इनको भी मैं दोनों को रिमूव कर लेता हूँ यहीं पर। फिर आपने बाद में यही वायर्स जो हैं 4-वे वाल की, जिसे हम हीटिंग वाल कहते हैं या रिवर्स वाल कहते हैं, उसकी वायर इसको हम लगाएंगे। अभी जो है हमारा एक सेंसर भी आ गया। अब फैन मोटर का जैक रह गया है, अब हम फैन मोटर का भी जैक, हमने इसके स्क्रू तो ओपन कर लिए हैं, अब इजीली हम इसको उठाकर इसका फैन मोटर का जैक उतार लेंगे। यहाँ पर आगे एक सेंसर का जैक लगा हुआ है तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, जो इसके सेंसर हैं। 3 सेंसर इसके होते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर, कॉइल सेंसर, जो 2 कॉइल सेंसर होते हैं और 1 एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर होता है। तो ये उन तीनों का एक इकट्ठा ही जैक है, तो इसको मैंने रिमूव कर लिया है। यहाँ पर अब मैं करूँगा इसकी फ़ैन मोटर का जैक जो है उसको रिमूव। ये बड़ा वाला जैक जो है इसकी फ़ैन मोटर का है, इसको हम इजीली रिमूव कर लेंगे यहाँ से इसको पुश करके। तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं और हमारी पीसीबी जो है तकरीबन यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, सिर्फ 2 सेंसर रह गए हैं जो हमने अभी उतारने हैं। ओके, 1 सेंसर तो आपके सामने उतार ही लिया था। ये जैक है जिसमें जो अभी हमने रिमूव किया था,
तो डिस्कनेक्ट जो किया था एक सेंसर ये और एक जो ट्यूब सेंसर था वो हो गया, दो सेंसर, और एक सेंसर जो है वो हमारा रह गया, वो है बैक साइड पर ये ब्लैक वायर वाला, जो कि बैक साइड पर जाकर हमें मिलेगा। और उसके लिए हमें शायद ये साइड खोलनी पड़े, क्योंकि ब्लैक साइड सेंसर जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ सेंसर है, तो हमें ये ओपन करना पड़ेगा साइड में। इस साइड कवर को ओपन करने के लिए इसके स्क्रू होते हैं, एक दो इस साइड पर ही लगे होंगे, वो आपने अनलॉक रिमूव करके इजीली इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जो है सेंसर इसकी नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एडजस्ट हुआ है, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। मतलब वैसे हम ये साइड कवर ओपन किए बगैर इसको खोल नहीं सकते थे, खींचेंगे तो ये टूट जाना था, वायर कट हो जानी थी। अब यहाँ पर हमने इसका सेंसर भी उतार लिया और बहुत ही ईजीली हमने इसकी तमाम चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी, सेंसर और जो है हमने पीसीबी को डिस्कनेक्ट कर दिया है आउटडोर यूनिट से। अब हम आउटडोर यूनिट को इजीली रिपेयर, इसकी पीसीबी को रिपेयर करवा कर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसी को मतलब रिपेयर करके हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं दोबारा सेम वैसे ही कनेक्शन जैसे हमने ओपन की है। अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास न्यू पीसीबी है तो उसको आप इसको रिमूव करके वो एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो आप ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।